भिलाई सेक्टर 7 स्थित तो श्री 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 माता धाम मंदिर में सोमवार का दिन बेहद भक्तिपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ, जिससे पूरे मंदिर परिसर के साथ क्षेत्र में आनंद मनाया गया और इस अवसर पर भंडारे के आयोजन के साथ भक्तिमय संगीत संध्या का आयोजन भी किया गया। सेक्टर 7 में स्थित है श्री 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 मनकीनम्मा माता का मंदिर माता धाम, जहां श्रद्धालुओं की आस्था कुछ ऐसी जुड़ी है कि वह कहते हैं इस मंदिर में जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वह पूरी हो जाती हैं। और अब इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आगमन भी हो गया है। सोमवार को मंदिर समिति के अध्यक्ष चिन्ना केशवल्लू और सचिव आदि नारायण के प्रयासों से राजनांदगांव से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति मंगवाई गई और क्षेत्रवासियों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाने के मकसद से शिव प्रतिमा की स्थापना की गई। सर्वप्रथम पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक एवं महाजलाभिषेक किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ओम नमः शिवाय और भगवान शिव के जयकारों से मंदिर परिसर सहित पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात श्री श्री माँ मनकीनम्मा माता की पूजा अर्चना कर उनकी आरती की गई, साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी महाआरती की गई। श्री माता धाम मंदिर में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वह पूर्ण हो जाती है। इस श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव द्वारा यह फैसला लिया गया कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिसके फलस्वरूप यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासी भक्तिमय माहौल में झूमते रहे। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की स्थापना को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष चिन्ना केशवल्लू ने मीडिया को जानकारी दी। माता धाम मंदिर सेक्टर 7 मेलाए में आज एकदम भारी भव्य महोत्सव की तरह आज एक अलग ही टाइप का माहौल है, क्योंकि माता रानी की कृपा से आज यहाँ पे भोलेनाथ का आगमन हुआ है। भोलेनाथ जी राजनांदगांव एक महान कलाकार द्वारा बनाया गया है, 6 फीट की मूर्ति है और उनके द्वारा बनाया गया है और भोलेनाथ का पूरे सेक्टर 7 में भ्रमण करवाया गया है। उसके बाद माता धाम मंदिर में लाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाया। इस कार्यक्रम में सभी भक्तगण उपस्थित होकर शामिल होकर इस कार्यक्रम को इस पूजा कार्यक्रम को सक्सेस किए और साथ ही यहाँ पिछले कई वर्षों से पूजा माताओं का पूजा पाठ चल रहा है, कई नवरात्रियाँ भी मनाते हैं और स्थल को पूजा पाठ करते हैं। इसी की कृपा माता रानी की कृपा से यहाँ आज पूजा संपन्न हुआ है। वहाँ यहाँ पर माँ मनकीनम्मा राजराजेश्वरी माँ और दुर्गा माँ का विराजमान है। मैं सभी भक्तजनों से अनुरोध करता हूँ एक बार आकर दर्शन जरूर करें और माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भोलेनाथ जी भी यहाँ आ चुके हैं और सभी आकर आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना। आज विशेष मौके पर मनोकामना क्या मांगे? आज मनोकामना यही मांग रहा हूँ मैं, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी मिलजुल कर रहे, यही मैं भोलेनाथ से और माताओं से। अब सेक्टर 7 सहित आसपास के क्षेत्रवासियों को इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसी मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो चुके हैं और इस सावन मास में भोलेनाथ के भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति भी होने वाली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।